हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी काला, ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और ज्वेलर्स एसोसिएशन ऐप के कर्ता धर्ता। संजय जी, ये ऐप जो बनी है ज्वेलर्स एसोसिएशन की, ये आपके विचार में कब से थी और आपने इसको कैसे मतलब सोचा और इसके बारे में किस तरह से आपने इस पे काम कर रहा? ये ऐप मेरे दिमाग में कई 3-4 साल से चल रही थी और एक आध दो IT कंपनी को बुला के मैंने इस पर मेहनत भी की थी और उनको बताया भी था कि किस तरीके से काम करें, पर उनका रुझान थोड़ा स्लो था और इस बीच में और भी कई काम इन्वॉल्व हो गए, तो उस वजह से ये इतना आगे नहीं बढ़ पाई। पर अब जब हम इस पे काम करने लगे तो नीरज जी ने इसमें बहुत मेहनत करके और एक अच्छे यंग अच्छे को इस काम पे लगाया, तो उन्होंने इसको 2 महीने में ही वो काम कर दिखाया जो कि शायद 2 साल में भी नहीं होता। और रेगुलर कोर्स में मेरे हिसाब से 10-10, 12-12 घंटे इस ऐप पे काम हुआ है, तभी जाके इसका इस पोजिशन में आया है कि हम ये चाहते थे कि जस्ट शो के पहले ये रिलीज़ हो जाए जिससे कि मैक्सिमम लोग इसको डाउनलोड करें और फिर जस्ट शो के बाद अपन इसको यूज़ भी करें। आप इस ऐप के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये ऐप किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये लाभदायक रहेगी हमारे ज्वेलर्स भाइयों के लिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डाली है, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें डाली है वो मैं बताना चाहूँगा और बहुत सिंपल है और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ऐप की। ये डिमांड एंड सप्लाई ऐप बोलता हूँ मैं इसको, वैसे ज्वेलर्स एसोसिएशन का ऐप है और इसमें सभी चीज़ें हैं, पर डिमांड एंड सप्लाई से मेरा मतलब यह है कि आज हम जब ज्वेलर्स कोई भी डिमांड बाहर से लेके आते हैं, कोई भी बायर अपने पास कोई डिमांड भेजता है, तो हमारे पास एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ पीपल से ही हमारा इंटरेक्शन है। हो सकता है मेरे ऑफिस में 4 दलाल रेगुलर आते हों, तो मैं कोई भी डिमांड होती है उन 4 को दे पाता हूँ। किसी आदमी 8 आते हैं तो 8 दलालों के पास ही तो उनका जो क्षेत्र होता है वहीं जाता है माल के लिए, और अगर उनके पास अवेलेबल नहीं होता तो ये डिमांड पूरी नहीं हो पाती। तो जो फॉरेन कंपनी हमारी जो हमारे को ऑर्डर देने वाली होती है वो यहाँ से शिफ्ट होके चाइना वालों के पास या बैंकॉक वालों के पास चली जाती है, तो जो एक ऑर्डर अपन सप्लाई करते हैं और उसकी वजह से 10 ऑर्डर अपने मिलते हैं वो सबसे ही हम दूर हो जाते हैं। तो इस ऐप को हमने इस तरीके से किया है कि जैसे ही कोई आदमी के पास ऑर्डर आए तो वो इस ऐप के ऊपर वो अपनी डिमांड डाले, और जैसे उसको डिमांड डालेगा तो डिमांड सामने चली जाएगी पर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, और जो भी आपने जो यूज़र हैं जितने भी जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है उनके मोबाइल पे जो डिमांड पॉपअप होगी और उनको दिखेगा कि ये उनको नोटिफिकेशन मिलेगा कि ऐसे डिमांड आई है। जब वो उस डिमांड के अंदर जाएंगे और डिटेल देखेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे ऐसे इसी स्टोन की और ये रेंज की या ये कलर की डिमांड है। अगर उनके पास माल होता है तो इमीडिएटली वो अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो पोस्ट कर सकते हैं, और हमने बनाया भी इस तरीके से है कि जो हमारे ब्रोकर भाई हैं वो सब जगह इन्वॉल्व रहें, क्योंकि हमारा धंधा जिस तरीके का है ब्रोकर्स के बगैर बिजनेस हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्राइस सेटल भी नहीं हो सकती और माल का लाना ले जाना पैसे का पेमेंट लेन देन कोई भी काम उसमें हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया है कि जैसे वो अपनी अवेलेबिलिटी बताएगा साथ में उसके 6 ब्रोकर मिनिमम वहाँ जो कि जिनसे वो कंफर्टेबल है जिनसे डील करता है वो भी नाम साथ जाएंगे, और ये इन्फॉर्मेशन बायर तक पहुँचेगी। जब बायर देखेगा तो उसको मालूम रहेगा कि कौन सेलर माल बेचना चाहता है, किसके पास अवेलेबल है और उनके दलाल कौन है। अब वो इजीली किसी भी दलाल को कॉन्ट्रैक्ट करके कह सकता है कि आप फला सेलर के पास जाइए और माल लेके आ जाइए। तो एक तरीके से जो माल है वो होगा दलाल के थ्रू ही, पर जो अपना बायर है उसको मालूम रहेगा कि माल कितना अवेलेबल है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारा माल जो हमारे पास पड़ा रहता है और दलाल नहीं मांगता वो भी हमारे को मालूम रहेगा कि माल हमारे पास रखा हुआ और ये डिमांड आई है, तो हम उसको उसमें पोस्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे और उस तरीके से माल बिक भी जाएगा और जो बायर है उसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो माल कहीं डेड स्टॉक में पड़ा हुआ है वो माल भी बाहर आके बिकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका इस पर ध्यान देने के लिए। तो बहुत धन्यवाद।